हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जहां एक तरफ बीजेपी अनेकों कार्यक्रम और सफलताओं को गिना रही है, वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि यही कारण है कि देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर हैं। रोजगार सम्मान है, सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता भास्कर जोशी और बीजेपी के नेता कपिल जैन। आइए देखिए क्या कहते हैं। युवाओं ने पुकार मच दी है रोजगार को, इसी के चलते 17 सितंबर को युवाओं ने बेरोजगारी दिवस के नाम से 17 सितंबर का दिन घोषित कर दिया है। इसका मुख्य कारण है आदरणीय मोदी जी ने चुनाव के पहले उन्होंने वादा करा था युवाओं से कि वो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, पर युवाओं को वो रोजगार न दे पाए। यहाँ तक कि युवाओं से रोजगार तक छीन लिया गया है जीएसटी के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे जीएसटी लागू कर दिया उन्होंने युवाओं। जीएसटी मैं भी चाहता था कि जीएसटी लागू हो, कांग्रेस भी चाहती थी कि जीएसटी लागू हो, पर वो एक स्लैब में लागू होना चाहिए था। मोदी जी ने उसको 12% का स्लैब, 18% का स्लैब, यहाँ तक कि 28% तक के स्लैब में लागू कर दिया, जिसके चलते आम आदमी का, व्यापारियों का वो जीएसटी भरना बहुत मुश्किल हो गया था। उसी के चलते युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और इसी के चलते युवाओं की काफी लोगों की नौकरियां तक गई थी। उसके बाद में कोरोना काल में युवाओं की नौकरी गई है। तो मेरा आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष तो ठीक है, 1 करोड़ युवाओं को कम से कम रोजगार दिया जाए हर वर्ष। मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने की जगह पे उन्होंने यहाँ तक कि सरकारी जितने विभाग है उस पर भी नौकरी पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो मेरा आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि युवाओं को रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। उनको फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनको गेहूं चाहिए आपका, ना चावल चाहिए, उनको मेहनत करके 2 वक्त की रोटी चाहिए युवाओं को। आज युवा यही मांग रहा है आपसे, वो फ्री में ना आपका गेहूं चाहिए उसको, ना चावल चाहिए, सिर्फ युवाओं को एक साथ उठा के जीवन जीना है। उसके लिए उनको गेहूं चावल की जरूरत नहीं, उनको रोजगार की जरूरत है। जो अपने पैसों के दम पे गेहूं भी खरीदेगा व्यक्ति, वो चावल भी खरीदेगा। तो मेरा आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि युवाओं को रोजगार दीजिए, वो मेहनत करना चाहता है, वो गलत दिशा में आज की तारीख में जा रहा है, तो उनको युवाओं को रोजगार दीजिए। मेरा आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि युवाओं को रोजगार दीजिए। जैसा कि अभी मैंने ट्विटर पे कुछ देर पहले एक राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के बहुत बुद्धिजीवी एक नेता है, उनके माध्यम से आज एक ट्वीट आया उनका कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, उन्होंने जितनी उनकी बुद्धि है उसका पूरा हमेशा की तरह आज एक और उन्होंने ट्वीट जो करा है वो बिल्कुल दिख रहा है उनका कि किस प्रकार का ट्वीट है उनका। मोदी जी ने, राहुल गांधी द्वारा एक यह कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं करा देश के लिए, या आज बेरोजगारी दिवस, उनका जन्मदिवस है तो इस पे भारतीय जनता पार्टी आज जो उनका जन्मदिवस बना रही है, सर्व विदित है कि सब जने जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को किस ताकत से आगे बढ़ाया है या किस दिशा में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की एक जो योजना या प्रकल्प उनके दिमाग में था, उस प्रकल्प के आधार पर यदि देखा जाए तो आज जो उद्योगों का अभी एक जरूर लग रहा है कि उद्योगों की कमी है या कुछ चीज़ है, मगर जिस प्रकार युवाओं का रुझान उद्योगों के प्रति बढ़ रहा है, रोजगार के प्रति बढ़ रहा है, आज मैंने खुद ने भी पिछले 20 दिन पूर्व एक उद्योग की ज़मीन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था AKVN में, औद्योगिक केंद्र विकास निगम लिमिटेड में। उस AKVN के माध्यम से मुझे ज़मीन अलॉटेड का भी लेटर आ चुका है। तत्पश्चात एक जानकारी है कि जब मैं खुद उद्योग डालूंगा तो उस उद्योग डालने के बाद में कहीं युवाओं को रोजगार 100% मिलेगा। देश जिस प्रकार राहुल गांधी जी हमेशा उड़ तुड़ुंग जो बयानबाजी करते रहते हैं वो व्यर्थहीन है। किसी भी प्रकार का कोई भी बेरोजगारी का कहीं से कहीं तक भी देश में बेरोजगारी का ऐसा संदेशा या ऐसा अंदेशा नहीं है। देश आत्मनिर्भर बन रहा है, रोजगार के कई अवसर पैदा हो रहे हैं। मैंने जिस तरीके से एक अवसर रोजगार का पाया है, अन्य युवा भी आवेदन तो करें। यदि हम कुछ करेंगे नहीं और हम सोचेंगे कि मोदी जी हमें घर ला के बिठाएं, घर बैठे बैठे खिलाएं या अन्य नेता बैठे बैठे खिलाएं, तो ये चीज़ संभव नहीं है। राहुल गांधी जी का जो एक ट्विटर आ जाया है बिल्कुल व्यर्थ है। किसी भी प्रकार का देश में कोई बेरोजगारी नहीं है और लगातार रोजगार के अवसर सभी को मिल रहे हैं।
पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।